हेलो डियर चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल स्कूल आई एम शाहीन एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विध चैप्टर सिक्स ऑफ योर बिहाइव बुक आज जो है हम चैप्टर सिक्स करने वाले हैं डिवाइड किया बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी चैप्टर और बहुत डेप्थ में बिकॉज हमें इसे पढ़ना है इसके पैस जो है वो भी काफी लेंदी है सो इसलिए ताकि चीजें हम ईजिली समझें हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ठीक है तो आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज माइ चाइल्ड हुडल्ड हुड की बात करने वाले हैं नन अदर देन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम इलेवेंट ऑफ इंडिया ओके सो ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैंटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर ठीक है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर ठीक है जो बहुत ही फेमस बुक है एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम खुद अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं ठीक है राइटिंग अबाउट वंस Own life, okay, that is autobiography. राइट right? और जो बायोग्राफी होती है वो क्या होती है जब हम किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं बिकॉज बायो का मतलब क्या होता है लाइफ ठीक है तो जब हम किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं वो होता है बायोग्राफी और जब हम खुद की लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं अपनी लाइफ की पर्सनल इंसिडेंट्स जो है वो शेयर करते हैं उसमें वो होती है ऑटोबायोग्राफी ठीक है सो ये ऑटोबायोग्राफी है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की हु हैड नॉट ओनली बीन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हुड नॉट ओनली बीन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बट ही हैड रूल्ड द हार्ट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड ठीक तो है तो मिस्टर ए जे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी जो बचपन है बिकॉज़ क्या है चाइल्डहुड ठीक है इनका चाइल्डहुड कैसा था ये कहां से बिलोंग करते थे इनकी बचपन में क्या क्या इवेंट्स हुए क्या क्या इंसिडेंट्स हुए ठीक है वो आज हम जानेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑबियसली हम इनके बारे में पढ़ना तो छोड़ ही नहीं सकते ठीक है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सो अबुल अबुलाकिर जैन उल आबिदीन अब्दुल कलाम ही वॉज बॉर्न ऑन फिफ्टी अक्टूबर थर्टी वन ठीक है ये कब पैदा हुए थे 15th October 1931 में पैदा हुए थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट ऑल ऑफ आस ऑन ट्वेंटी सेवें जुलाई टू थाउजेंड एंड वॉज एन इंडियन एयरोपेस साइंटिस्ट एंड स्टेट्स मैन हुव एज द इलेवेंथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक स्टेट्समैन भी थे वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट्समैन स्टेट्समैन का मतलब होता है अ लीडर ठीक है हु हु इज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स ऑफ कंट्री ठीक है जो एक ऐसा लीडर यानी कि साइंटिस्ट तो बहुत हैं लेकिन ऐसे साइंटिस्ट जिनका इन्वॉल्वमेंट किसी कंट्री के नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स में भी रहा हो वो बहुत कम है ठीक है और उन्हीं में से एक थे मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है सो यू ऑल नो कि वो इलेवेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड एंड टू 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 थाउजेंड एंड सेवन बोर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम तमिलनाडु ठीक है वो कहाँ पैदा हुए थे तमिलनाडु में ही पैदा हुए और वहीं उनकी परवरिश भी हुई एंड स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग ठीक है क्या क्या पढ़ा उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनका बिकॉज इंटरेस्ट था तो उन्होंने वहां पे उसे कंटिन्यू किया परसू किया He spent the next four decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defence Research and Development Organization, that is DRDO, and Indian Space Research Organization, that is ISRO, and was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. So next four decades. Decade children. दस साल के पीरियड को एक डेकेट कहते हैं ठीक ठीक है? है? तो फोर साल। साल अगले साल उन्होंने एक साइंटिस्ट के के फॉर्म में डी -डी में इसरो के अंदर अपने इन्वेस्ट किए। उन्हें किस टाइटल से नवाजा गया India. मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च also टेक्नोलॉजी प्लेड pivotal ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रोल इन इंडियाज़ पोखरन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, नाइनटी द फर्स्ट सिंस द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974. इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है पोखरन के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जो कि सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 के बाद में में जो है वो सेकंड टेस्ट हुआ था पोखरण के अंदर जो कि जैसलमेर के अंदर है ठीक है तो वहां पे इनका बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल था ठीक है किनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ऑल राइट नाउ यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है हमारा पूरा इसका टाइट जो स्टोरी का जो पूरा चाइल्डहुड का जो एक्सट्रैक्शन लिया गया है इनकी बुक में से द विंग्स ऑफ फायर वो हम आप पढ़ेंगे

जो यानी कि पहले में ड्रॉस हुआ करता था अब वो क्या है चेन्नई हो गया माई फादर जैन मच फॉर्मल एडुकेशन नॉर मच वेल्थ अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि ना तो उनके पास में कोई प्रॉपर फॉर्मल एडुकेशन थी और ना ही अच्छी खासी वेल्थ का मतलब क्या होता है पैसा ठीक है ना ही ज्यादा खास वेल्थ थी ना ज्यादा खास पैसा था तो दैट इज वाई सिंह कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे डिस्पाइट दीज डिस यानी कि ये डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी ही प्रोजेस्ट ग्रेट इन नेट विजडम इन नेट का मतलब क्या होता है इन बॉर्न यानी कि जो बचपन से आपके अंदर पैदाइशी होती है ठीक है जो आपको अपने बड़ों से मिलती है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि चाहे ये डिसएडवांटेजेस थे हमारी लाइफ के अंदर चाहे हम चाहे मेरे फादर जो थे उनके पास एजुकेशन नहीं थी प्रॉपर चाहे मेरे फादर के पास अच्छी वेल्थ नहीं थी बट इनके बावजूद उनके अंदर कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज थी कुछ इन क्वालिटीज थी ठीक है विजडम विजडम का मतलब क्या होता है यू ऑल शुड नोइंग विजडम का मतलब क्या होता है समझदारी ठीक है बहुत नॉलेजेबल थे बहुत ज्यादा ज्ञान था उनके अंदर एंड अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट और उनका जो दिल था वो बहुत साफ था बहुत ज्यादा जेनरिस्ट थे बहुत ज्यादा दयालु थे तो ये क्वालिटीज है ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो आप किसी यूनिवर्सिटी से आपको नहीं मिल सकती राइट वो आपके अंदर जो है इननेट होती है इनबॉर्न होती है वो आप, आपको ना तो वो कोई ट्यूटर कर सकता है ना आपको कोई पढ़ा सकता है उसको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो आपके अंदर खुद होती है ठीक है आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको विजडम कैसे बनना है आपको कोई ये नहीं सिखा सकता आपको जेनरिस कैसे बनना है राइट वो आपके अंदर खुद ब खुद पैदा होती है तो वो यही बता रहे हैं कि चाहे मेरे फादर के पास फॉर्मल एडुकेशन नहीं थी उनके पास वेल्थ नहीं थी दौलत नहीं थी लेकिन फिर भी वो दिल के बहुत अच्छे थे बहुत जेनरिस्ट थे और बहुत ही वाइज थे बहुत इंटेलिजेंट थे माई मदर अम्मा और उन्हें जो है एक एक्चुअली हेल्प मेड जो मिला मेरी माँ के फॉर्म में उनकी माँ का नाम क्या था आशी अम्मा ठीक है I do not recall the exact number of people she fed every day। उंट करके नहीं बता सकता मैं याद करके काउंट भी नहीं कर सकता कि हर रोज वो कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। लेकिन मैं ये चीज बहुत सर्टेनली बहुत प्रॉपर तरीके से या बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जितने हमारे family के total members थे उनसे ज्यादा खाना तो जो बाहर वाले लोग हुआ करते थे वो खाया करते थे यानी क्योंकि उनकी जो मदर थी वो भी बहुत ही ज्यादा जेनरस थी बहुत ज्यादा हम्बल थी बहुत काइंड थी राइट उनके अंदर काइंडनेस थी कि अगर कोई घर के बाहर खाना मांगने आ रहा है तो उनको कभी भूखा नहीं भेजती थी ठीक है दैट इज वाई ये कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर जितने हमारे घर के टोटल लोग जो अगर उनको पुट टुगेदर इफ आई पुट पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर तो उनकी उनसे ज्यादा काउंटिंग किनकी हुआ करती थी आउटसाइडर्स की जो बाहर के लोग थे वो लोग हमारे घर में ज्यादा होते थे खाना खाने के लिए ओके आई वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन और यहां पे बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इकलौता बच्चा था बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था अ शॉर्ट बॉय विद रदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स यानी कि मेरी हाइट भी शॉर्ट थी ठीक है और मेरे लुक्स भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे ये कौन कह रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद कह रहे हैं ठीक है बॉन्ड टू टॉल हैंडसम पेरेंट्स एंड वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो पेरेंट्स थे दोनों ही बहुत टॉल थे और हैंडसम थे उस एनसेस्ट्रल क्या होता है चिल्ड्रन जो मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा होता है ना हमारे जो दादा होते हैं पर दादाजी होते हैं उन्होंने 19th जो 19th के में बना था यानी काफी पुराना घर था और उसी पुराने घर में हम लोग रहते थे इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ठीक है और वो घर के पक्का घर तो था चूने से बना हुआ था और ईंटों से बना हुआ था on the mosque street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxury. What is the meaning of austere children? Austere का मतलब होता है sincere. ठीक है sincere and strict, severe. Okay. मेरे जो austere father यानी मेरे father जो बहुत sincere थे और strict भी थे. ठीक है. He used to avoid all inessential comforts. ऐसी चीजें जिनकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है ऐसे कंफर्ट्स को और ऐसे लग्जरीज को वो अवॉइड किया करते थे राइट जो ऐसा है कि आपको वो बुरी आदत डाल सकते हैं उसके बाद आप उसके बिना रह नहीं सकते लेकिन वो ये चीज मेक मेकश्योर करते थे कि हमें जिन चीजों की जरूरत है वो हमारे पास हो ठीक है हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज व प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लोथ लेकिन अगर बात करें हम फूड की मेडिसिन की क्लोथ की जो हमारी जरूरतें थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती थी ठीक है उनके अंदर कभी भी कमी नहीं की गई कि नहीं ये नहीं मिलेगा या ये नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन वो ये मेक श्योर sure करते थे because he was a wise person, कि कोई भी इन एसेंशियल बिना जरूरत की कोई भी चीज घर के अंदर ना आए इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड हुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली और यहां पे डॉक्टर जे अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि अगर मैं बोलू अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा जो बचपन था बहुत सिक्योर था बहुत सेफ था चाहे वो मटीरियली हो मटीरियल यानी कि कोई चीज की कमी नहीं थी उन्हें कभी एंड इमोशनली और कभी इमोशनल सपोर्ट की भी अगर उन्हें जब जरूरत रही है तो वो भी उन्हें पूरी तरह से मिला है इसलिए वो ये कह रहे हैं कि, कि मेरा चाइल्ड जो था वो बहुत सिक्योर था बहुत सेफ था क्लियर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 थर्टी नाइन वेन आई वॉज एट ईयरस ओल्ड

बढ़ गई का मतलब होता है राइज ठीक है तो ये अचानक से जो है इसकी डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर और ये चीज डॉक्टर अब एपीजे अब्दुल कलाम को समझ नहीं आई कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि ऑल ऑफ सडन मार्केट के अंदर इमली के बीजों की जो है डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है I used to collect these. Uh, I used to collect the seeds. There is a space here, okay? I used to collect the seeds and sell them to a provisions uh, shop on Mosque Street. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो बीज को इकट्ठा करके एक शॉप थी, छोटी सी ग्रॉसरी स्टोर था, Mosque Street पे ही, मस्जिद वाली रोड पे, वहाँ पे मैं उस दुकान पे जाके वो बेचा करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of one. आना, ठीक है? यानी कि एक दिन का जो कलेक्शन होता था वो इमली के बीच amount, एक अच्छा उनको मिलता था, उस वक्त उसकी वैल्यू हुआ करती थी तो वो उस, जब उनको वो मिलता था तो वो बहुत खुश हो जाया करते थे माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइंस इन दीना मनी दीना मनी इज द नेम ऑफ अ न्यूज पेपर ठीक है तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो उनको स्टोरीज बताया करते थे वर्ल्ड वॉर टू में क्या क्या हो रहा है और जब उनको न्यूज पेपर होता था दीमा मनी तो एक इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी वो चीजें जानने के बारे में ठीक है तो ये जो न्यूज पेपर है दीना मनी उसमें ये हेडलाइंस पढ़ लिया करते थे आर एर या बींग आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब जहां पे ज्यादा लोग नहीं आते जाते अकेला शांत अफेक्टेड बाई द वॉर यानी कि हमारा जो एरिया बिकॉज एक आईलैंड था राइट तो वहां पर ज्यादा वॉर का जो है असर नहीं पड़ा बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलीट फोर्स एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर लेकिन अब इंडिया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया को फोर्सफुली जो है वो अलीट फोर्सेज ज्वाइन करनी पड़ी एलीट फोर्सेज कौन कौन सी थी चिल्ड्रेन दीज इ फोर्सेज ऑफ यू यूएसए एंड रशिया ठीक है इनकी फोर्सेस के साथ में इंडिया को मिलना पड़ा और हमारी जगह यानी कि हमारे जो जगह थी रामेश्वरम जहां हम रह रहे थे हमारी स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई ठीक है आपको पता होगा जब भी वॉर, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है यानी कि आपका घरों से निकलना बंद हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. Casualty मतलब loss, जो पहला loss हम लोगों के सामने आया, यानी कि जो पहला असर हुआ इस war का हमारे state पे वो क्या था? Suspension, suspension का मतलब क्या होता है? रुक जाना of the train halt at Rameshwaram station, ठीक है? यानी कि train halt क्या होता है? Children, आपको पता ट्रेन जब रवाना होती है तो काफी सारे स्टेशन है तो वो हॉल्ट होते हैं वो हॉल्ट स्टेशन होते हैं जहां पे ट्रेन को रुकना पड़ता है है ठीक तो रामेश्वरम जो था वो स्टेट वो स्टेट भी एक हॉल्ट हुआ करता था जहां ट्रेन रुकती थी ठीक है लेकिन अब क्या हुआ बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू था उसका अफेक्ट उसका असर कैसे नजर आया कि रामेश्वरम स्टेशन जो था वो हॉल्ट बंद हो गया यानी वहां पर ट्रेन रुकना बंद हो गई या ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकेगी ये पहला impact, एक casualty, एक लॉस के रूप में वहाँ पे क्रिएट हुआ न्यूज पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी यानी अब क्या हो रहा था पहले तो बिकॉज स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी तो न्यूज वालों को प्रॉब्लम नहीं होती थी वो उतरते थे आराम से और Uh, जो है न्यूज पेपर हैंड ओवर कर देते थे अब उनको क्या से ऑल्टरनेट निकालना पड़ रहा था कि चलती ट्रेन से उनको न्यूज पेपर के बंडल्स फेंकने पड़ेंगे बाहर ठीक है एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा जो उन बंडल्स को कैच करे और वो न्यूज जो है वो आगे पहुंचाए अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ लॉस राइट बिकॉज न्यूज जो है वो एक इकलौता माध्यम था उस वक्त इकलौता मीडियम था उस वक्त जब लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती थी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी ठीक है और राइट right. That forced my cousin Samsudeen who distributed newspapers in Rajmeshwaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally, I filled the slot. Yani, jo mera brother tha, मेरा जो कजन था वो न्यूज पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था और उस, वो हमेशा जो है वो स्टेशन पे उतरा करता था लेकिन अब क्योंकि हमारा जो स्टेशन था रामेश्वरम स्टेशन अब वो कोई हॉल्ट नहीं था वहां पे स्टेशन वहां पे कोई ट्रेन नहीं रुकने वाली थी तो उन्हें कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड चाहिए था जो कि अगर वो ट्रेन से बंडल्स फेंकें न्यूज पेपर के तो उनको कोई कैच करने वाला हो एंड ऑब्वियसली नेचुरली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं जो है नेचुरली मैंने उस स्लॉट को फिल कर दिया स्लॉट यानी कि जो खाली जगह थी खाली जगह किसकी थी किसी हेल्पिंग हैंड की थी ठीक है तो वो किस, वो किस स्लॉट किसने फिल किया एपीजे अब्दुल कलाम ने सो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक ऐसा इंसान जो लेटर ऑन उन, हमने उनको किस फॉर्म में देखा है भाई द साइंटिस्ट द फेमस साइंटिस्ट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हमने उनको इस फॉर्म में देखा है लेकिन अगर उनके बचपन में झांके देखें तो हमें ये पता चलेगा उनका बचपन बहुत ही ज्यादा सिंपल था राइट right? और ना सिर्फ सिंपल बट हम यहाँ ये यह कहेंगे कि स्ट्रगलिंग भी था कि वो उनके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उनके लिए कोई काम छोटा नहीं है उनके लिए हर काम इक्वली वैल्यूएबल है राइट right? वो हर काम को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कोई काम चाहे वो टैमरिन की सीड्स को ले जाके प्रोविजन स्टोर पे बेचना हो चाहे वो स्टेशन पे खड़े होकर न्यूज का बंडल कैच करके उसको सप्लाई करना हो सो नो वर्क इज स्मॉल दिस इज द बिगेस्ट लेसन दैट दिस पर्सन हैज गिवन टू द वर्ल्ड ओके Me earn my first wages. और की वजह से मुझे पहली वेजेस मिली वेजेस क्या होती है तनख्वाह सैलरी राइट तो वेजेज मीनसरी फर्स्ट सैलरी वजह से मिली की वजह से बिकॉज यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो इनकी मदद कर रहे थे न्यूज़पेपर का बंडल कैच करने में उसे सप्लाई करने में हाफ अ सेंचुरी लेटर व्हाट इज सेंचुरी हंड्रेड इयर्स एंड हाफ अ सेंचुरी यानी कि फिफ्टी इयर्स लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। यानी yani कि 50 साल बाद भी जब मैं वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है मेरे अंदर एक प्राउड की फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है बॉर्न होती है पैदा होती है ठीक है तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपनी पहली कमाई मेरे पास आई थी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मोमेंट था बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर इट राइट मैंने उसके लिए मेहनत की थी एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स राइट हर बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो उसके अंदर पैदाइशी होती है पैदा होने के साथ ही उसके अंदर होती है ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है इन टू अ स्पेसिफिक सोशल इकोमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन इन सर्टन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कि कुछ क्वालिटीज उसके अंदर ऑलरेडी होती है कुछ जब वो बड़ा होता है तो उसको ट्रेन किया जाता है कि आपको क्या क्या चीजें अडाप्ट करनी है और क्या क्या चीजें छोड़नी है या अवॉइड करनी है अपनी लाइफ में I inherited honesty and self discipline from my father. ये दो attributes जो हैं, ये जो दो qualities हैं, कौन सी honesty की और self discipline? Self discipline क्या होता है? एक तो कोई आपको बोलता है कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए तुम नीटली ड्रेस क्यों रही हो, तो तुम्हें नीटली ड्रेसअप होना चाहिए ये कचरा तुमने नीचे क्यों फेंका इसको डस्टबिन में फेंको ये तो आपको कोई डिसिप्लिन सिखा रहा है एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि इंसान को पता है कि सही चीज़ क्या है अगर आपने कोई चीज कोई रैपर आपको कचरा फेंकना है तो आप अगर नीचे फेंक रहे हैं देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग राइट right? और अगर आपने उसको खुद ही पता है आपको कि आपके बिखेरने से कचरा फैलेगा और अगर इफ यू कैन बी यू नो इफ यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड टू एनी बडी अगर आप किसी भी हेल्प कर सकते हैं और कचरा आपने उठा के डस्टबिन में ही फेंका जहां उसे जाना चाहिए दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन राइट कोई और भी कर रहा है आपके सामने कर रहा है तो जस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर दैट पर्सन उसके लिए एक एग्जाम्पल बनी है राइट right? उसको देख के अवॉइड मत कीजिए ओके सो okay? so, ये जो दो क्वालिटीज है इन्होंने अपने फादर से सीखी फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस यानी कि अच्छाई के अंदर विश्वास ऐसा नहीं है कि यू नो इट्स नॉट दैट कि इफ अ अ यू नो गुड पर्सन इज नेवर लॉस ऐसा लगता होगा ना कि मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्या होता क्यों होता है मैं तो किसी के साथ मैंने कभी बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही लोग बुरा करते हैं ऐसा नहीं होता अ गुड पर्सन इज नेवर लॉस आपको वो इनिशियली ऐसी चीज लगती है बट एक्चुअली यू आर द पर्सन हु इज एट प्रॉफिट सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉफिट पे है तो वो एक अच्छा इंसान ही होता है क्योंकि वो अपने अंदर से यू you नो know, अपने अंदर बुरी क्वालिटीज को आने नहीं देता ठीक है और वो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका एंड डीप काइंडनेस ठीक है फेद इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस लोगों के लिए काइंडनेस की फीलिंग और अच्छाई में जो फेद है वो क्वालिटी उनको कहां से मिली अपनी मदर से मिली एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और इसी तरह से जो मेरे तीन भाई बहन थे उनको भी ये क्वालिटीज जो है मेरे पेरेंट्स से इनहेरिटेड यानी कि पैदाइशी उनको जो है उनसे मिली आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्ड हुड अब यहाँ पे वो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं अभी हमने पूरा इनकी यू नो फैमिली के बारे में जाना इनके पेरेंट्स के बारे में जाना और उन्होंने अपनी पहली सैलरी कैसे अर्न की वो हमने जाना अब कमिंग टू हिज लाइफ फ्रेंड्स पार्ट ठीक है तो उनके तीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे कौन से थे रामनाथ शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन ठीक है तो ये तीन बहुत अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. And these three my friends were. हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं चिल्ड्रन ऑर्थोडॉक्स यानी कि अबाइडिंग बाय द रिलीजियस कस्टम्स जो अपने रिलीजियस कस्टम्स को ट्रूली और पूरी तरह से फॉलो करते हैं उन्हें हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ठीक है अपनी रिलीजन की हर एक जो है प्रीचिंग को वो फॉलो करते हैं दे आर नोन एज ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि पुराने ख्याल वाला ठीक है वो एक हमने आज के टाइम में उसकी डेफिनेशन बना दी है लेकिन एक्चुअली जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है वो होता है अबाइडिंग बाय द रिलीजियस कस्टम्स अपने रिलीजन के कस्टम्स को फॉलो करना वही होता है ऑर्थोडॉक्स ठीक है और फॉलो uh, uh, you know, करते हैं तो हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए या ये हिंदू है ये मुस्लिम है इन लोगों को साथ नहीं रहना चाहिए तो ना तो ये चीज हमारी अपब्रिंगिंग में रिफ्लेक्ट हुई कभी अपब्रिंगिंग यानी कि ना तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कभी ये चीज सिखाई ठीक है और ना ही हमें आपस में कभी ये चीज फील हुई ठीक है इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम जो रामनाथ शास्त्री थे जो उनके फ्रेंड थे वो कौन थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे और लक्ष्मण शास्त्री कौन थे ही वॉज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल सो यू कैन इमेजिन वो एक सबसे जो हाई प्रीस्ट थे जो सबसे ज्यादा बड़े पंडित थे वहां के रामेश्वरम टेम्पल के उनके बेटे थे और उनके बेटे जो है वो मेरे फ्रेंड थे तो अभी के टाइम में तो बहुत ऐसी बहुत अजीब बात लग रही है लेकिन बिकॉज दे वर किड्स और उनकी फैमिलीज के अंदर भी कभी ये डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हुए तो उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज थी और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से हमें साथ नहीं रहना चाहिए दीज डिज वर नेवर क्रिएटेड अमंग देम ड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल ही कौन है यहाँ पे इनके जो फ्रेंड है रामनाथ शास्त्री यानी कि बड़े होके रामनाथ शास्त्री ने क्योंकि पहले उनके पिता थे तो अपने पिता की जगह पे अब वो जो है वो प्रीस्ट बन गए उस मंदिर के अरविंदम तो ज करना की वो नदी को एक यू नो नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक दूसरे किनारे तक जा सके एंड शिव प्रकाशन बिकेम अटरिंग कॉन्ट्रेक्टर फॉर द सर्दर्न रेलवे ठीक है और उनके जो तीसरे फ्रेंड थे शिव प्रकाशन वो क्या बन गए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए सर्दर्न रेलवे ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी ठीक है तो ये तमिलनाडु के अंदर एक एनुअल सेरेमनी होती है जिसका क्या नाम है श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी वीनिंग ऑफ कल्याणम कल्याणम का मतलब होता है शादी ठीक है राइट तो यहां पे एक सेरेमनी होती है बहुत बड़े लेवल पे होती है और एनुअली होती है यानी कि हर साल होती है ठीक है आर फैमिली यूज टू अरेन्ज बोर्ड स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज इच वॉज नियर आर हाउस ओके इट्स नॉट बट नियर आर हाउस ओके जस्ट एड हियर ऑलराइट तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी फैमिली क्या किया करती थी क्योंकि जो विवाह का स्थल था जो वेडिंग का जो स्पॉट था वो कहां था आइलैंड के बीच में था ठीक है और उसका नाम क्या था राम तीर्थ। उसका नाम क्या था राम तीर्थ, उस स्पॉट का नाम तो ऑब्वियसली उनको यू नो बोट्स चाहिए होंगी आइडल्स को कैरी करने के लिए You know, नदी के इस किनारे से सॉरी आइलैंड के इस किनारे से आईलैंड के बीच तक राइट right? तो वो क्या क्या करते थे वो उनके लिए बोट्स प्रोवाइड करते थे और उन बोट्स पर स्पेशल प्लेटफॉर्म होते थे ताकि वो उनके ऊपर आइडल्स को रख सके ठीक है और उनके आइडल्स को वो यहाँ से आइलैंड से आईलैंड के बीच तक लेके जा सके और सेरेमनी सारे, को प्रॉपरली कंप्लीट कर सके ठीक है इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट व बेड टाइम स्टोरीज ठीक है यानी कि इवेंट्स इवेंट्स यानी कि जो स्टोरीज होती थी कहां से रामायणा में से और फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट ठीक है वो हमारी बेड टाइम स्टोरीज होती थी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली यानी कि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर जब भी हमें जो स्टोरीज सुनाया करती थी वो स्टोरीज कहां से होती थी या तो वो रामायण में से होती थी या वो स्टोरीज होती थी प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से ठीक है तो ये जो था वो हमारे फैमिली का जो था वो एक सिस्टम बना हुआ था जो एनवायरमेंट था वो बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट था ठीक है वन डे When I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. ठीक है, वो एक दिन का इंसिडेंट बता रहे हैं, जब वो fifth standard में थे, तो Rameshwaram का जो elementary school था, वहाँ एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, और मैं एक टोपी पहना करता था, जो जिससे कि clearly पता चलता था कि मैं एक Muslim हूँ। And I always sat in the front row next to Ramanath Shastri who wore the sacred thread. ठीक है और वो मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठा करता था रामनाथ शास्त्री के बगल के अंदर ठीक है और रामनाथ शास्त्री बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण तो वो क्या पहनते थे वो एक सीक्रेट हैं ब्राह्मी ठीक है तो वो ऑब्वियसली बिकॉज वो सिर्फ वो जनेयू धारण किए होते थे मैंने टोपी पहनी होती थी तो क्लियरली पता चलता था कि ये एक ब्राह्मण है और एक ये मुस्लिम है और हम दोनों ही फर्स्ट रो में पास पास बैठा करते थे द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय और जो वो नए टीचर थे कुड नॉट टॉलरेट ठीक है कुड नॉट स्टमक का मतलब होता है ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक हिंदू पंडित के जो बेटे हैं वो एक मुस्लिम लड़के के साथ में बैठा है जो हमारे सोसाइटी ने रैंकिंग दे रखी थी जो कि हमारे न्यू टीचर के दिमाग में थी या जो हमारे न्यू टीचर जो थे वो उस रैंकिंग को सोशल रैंकिंग को फॉलो किया करते थे बैक बेंच मुझे उस फर्स्ट रो से उठा दिया गया शास्त्री के पास से उठा दिया गया और मुझे कहा गया कि मैं लास्ट सीट पर जाके बैठ जाऊँ वाई बिकॉज आई वॉज अ मुस्लिम आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री ना सिर्फ मुझे बुरा लगा बल्कि मेरे फ्रेंड रामानाथ शास्त्री को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा ही अटली डाउन कास्ट अटल यानी कि बहुत ज्यादा डाउन कास्ट मतलब सैड मैंने देखा कि रामानाथ शास्त्री बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट राउ जैसे ही मैंने अपनी सीट को लास्ट सीट में चेंज कर दिया The 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 image image of of him him weeping weeping, weeping weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. The image of him weeping. Weeping means weeping means crying. Okay? <laughs> <laughs> जब मैंने देखा कि रामानाथ शास्त्री जैसे ही मैंने जगह चेंज की तो रामाना शास्त्री ना सिर्फ दुखी हो गया बल्कि बहुत ज्यादा रोने भी लग गया जब मैंने अपने दोस्त को इस तरह से रोते हुए देखा वो इमेज जो थी वो मेरे जहन में वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो गई हमेशा के लिए बैठ गई ठीक है इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी और वो जो एक इम्प्रेशन था वो मेरी जिंदगी के अंदर इट वॉज लॉन्ग लास्टिंग वो बहुत लंबे समय तक मेरे दिमाग में बैठ गया बिकॉज़ हमारी फैमिलीज ने हमारे पेरेंट्स ने या हमने कभी अपने बीच डिफरेंसेस नहीं आने दिए कभी अपने बीच में इस तरह के जो सोशल रैंकिंग जो कि सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं वो जो है उस तरह के डिफरेंसेस हमने अपने बीच में नहीं आने दिए लेकिन आज अचानक एक टीचर ने आके हमें हमारे बीच के डिफरेंसेस जो है वो एकदम फील करवा दिए जो कि नहीं थे एक्चुअली और राइट वर एक्चुअली दे डिड नॉट इवन एग्जिस्ट बट देर आर सर्टेन पीपल जो पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ नहीं है उसको अच्छे तरह से हाईलाइट किया जाए ठीक है और यही हुआ डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड्स के साथ भी कि जो डिस्प्यूट्स या जो डिफरेंसेस है ही नहीं उन डिफरेंसेस को क्रिएट किया गया और दो बेस्ट फ्रेंड्स को अलग कर दिया गया एक क्लास के अंदर यह के बिकॉज ही नॉट डिजर्व टू सिट ऑन द द फर्स्ट बेंच बीइंग अ मुस्लिम दैट वाज ओनली रीजन दैट बिकॉज अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे रिलीजन इज नॉट अ फैक्टर रिलीजन इज नॉट एट ऑल अ क्राइटेरिया वहां पर हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं इफ ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द टीचर राइट टीचर कौन होता है जो सभी को एक ही नजर से देखता है राइट right? लेकिन अगर टीचर से डिफरेंसेस क्रिएट करने लग जाए सो so, आगे क्या हुआ किस तरह से चीजें चेंज हुई दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन तब तक आप गो थ्रू कीजिए इस चैप्टर को अच्छे से एक एक लाइन वी हैव डिस्कस राइट इच एंड एवरी वर्ड वी हैव डिस्कस गो थ्रू इट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इवेंट Very beautiful events are captured. Events are captured in this story, in this autobiography, obviously because it is written by Dr. E. P. J. Abdul Kalam. All right. So see you in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Don't forget to Take care, uh, take care of yourself. Goodbye.